हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और फ्रेंड्स, शाम हो गई है और ठंड हो रही है आज। आज क्या, दो तीन दिन से ठंड हो रही है। तो अब शाम का खाना बनाना है मुझे, और मैं देख रही थी क्या बनाऊंगी खाने में आज। तो कुछ मीठा बनाती हूँ, पहले देखते हैं क्या बनाएंगे आज। चलिए देखते हैं मीठे में आज क्या बनाएंगे। सूजी का हलवा बनाऊंगी, देखती हूँ। सूजी का हलवा बना लेती हूँ, पर बच्चे नहीं खाते सूजी का हलवा, तो पूछती हूँ बच्चों से, खाएंगे तो बनाऊंगी। सूजी का हलवा खाओगे? सूजी का तो खा के बोर हो गए हैं। फिर वो जो पार्टी में बनता है ना, वो वाला। कौन सा, मूंग की दाल का या गाजर का? वो भी दाल वाला, मूंग की दाल का। हाँ, तो मूंग की दाल का तो इतनी जल्दी बनता भी नहीं है। चलो देखती हूँ मैं भी। लो, सूजी का हलवा नहीं खाते हैं, मूंग की दाल का हलवा मांग रहे हैं। तो चलो देखती हूँ मैं, अगर बनता है तो तैयार करती हूँ सामान। तो देखिए, मैंने ये तैयार कर लिया है। इसमें मूंग की दाल ले ली है कटोरी में, ये चीनी और ये ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, और ये नई वाली कढ़ाई है जो मैं लाई थी उस दिन, आपको वीडियो में दिखाया था धनतेरस वाले दिन मैंने जो कढ़ाई खरीदी थी। मैं उसमें बनाऊंगी, क्योंकि उसमें मैंने अभी तक कुछ नहीं बनाया था। तो चलो उसमें फिर कुछ मीठा ही बना लेंगे आज। तो ये मैंने दाल धो ली है, साफ पानी हो गया बिल्कुल, क्योंकि जब तक इसमें गंदा पानी आए इसे बार बार धोना है। जब बिल्कुल साफ पानी आए तो इस पानी को निकाल के इसे सूखे कपड़े से पोंछ के और थोड़ी देर इसे 5-10 मिनट के लिए पंखे की हवा में मैं रख आती हूँ इतने। तो फ्रेंड्स, ये मैंने दाल को हवा में सुखा दिया था 10 मिनट के लिए। अब मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ, तो इसे रोस्ट करूँगी मैं, इसका कलर चेंज हो जाएगा जब तक। तो ये गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा से मैं भून लेती हूँ। तो ये देखिए, अब इसका कलर हो गया चेंज, ये गोल्डन हो चुकी है। तो अब मैं इसको पीसूंगी, और इसे मैं पीसूंगी, सूजी होती है ना उसे दरदरा सा, उसे थोड़ा सा मोटा, तो सूजी जैसा पीस लेती हूँ इसे। तो ये 2 चम्मच घी में मैंने 1 चम्मच बेसन और 1 चम्मच सूजी इसमें डाल दी है। अब इसे थोड़ा भूनूंगी, और ये जो मैंने दाल अभी रोस्ट की थी वो मैंने पीस ली है। ये मोटी वाली सूजी होती है, वैसी दरदरी पीसी है, ज़्यादा बारीक नहीं करनी। और अब मैं इसे इसमें डाल दूंगी। तो अब ये मैंने इसमें डाल दी है दाल का जो पाउडर जो मैंने पीसा है। तो ये घी मुझे थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं और घी डाल दूंगी। तो ये अच्छे से चलने लग गया, दाल चल नहीं पा रही है ठीक से, तो इसलिए मैं और घी डाल दिया है 1.5 चम्मच। 4-5 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेती हूँ इसे अच्छे से। घी में पीसी थी वो उसमें ऐड कर दिए। अब उसको मैंने 5 मिनट के लिए ऐसे अच्छे से इसमें घी में चला लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी दूध। ये दूध घर का जो होता है वैसा ही है, कच्चा दूध नहीं है, ये पका हुआ दूध है। तो गैस को मैं कम कर दूंगी, और दूध कम है अभी, और दूध डालना पड़ेगा। तो इसमें मैं और दूध डाल दूंगी, इसे चलाते रहिए। ये जो हमने दूध डाला है तो इसमें ये गुठली सी बन जाती है, तो उसे हम ख़त्म करते चलेंगे और इसे चलाते चलेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे ऐसे ही पकाएंगे। अब ये देखिए गाढ़ा होता जा रहा है ये, और हम इसमें डाल देंगे, इसमें हमें डालनी है चीनी। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें चीनी डालिए, जितना मीठा खाते हो कम या ज़्यादा वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा इसमें। तो अब ये देखिए दूध इसमें सूखने लगा है। आप जब ये देखिए कढ़ाई में ऐसे घूम रहा है, ये इकट्ठा होने लगी है ये दाल। तो अब इसमें हम थोड़ी चीनी डाल देंगे, तो चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल देना, जितना मीठा खाते हो आप। तो ये देखिए चीनी घुलने लगी है, तो ये पतला हो गया है। अब हम इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे, धीरे धीरे कलर इसका चेंज हो जाएगा जब तक इसे पकाएंगे। और
इसमें डाल देंगे थोड़ा फूड कलर, या फिर आपके पास केसर हो तो केसर डाल सकते हैं दूध में भिगो के, तो येलो कलर अच्छा सा हो जाता है इसका। तो मेरे पास केसर नहीं है तो मैं डालूंगी इसमें येलो कलर का फूड कलर। तो ये मैंने फूड कलर थोड़ा सा दूध में डाल दिया है, तो इसे हम डाल देंगे इस पे अच्छा सा कलर देने के लिए। या फिर आपके पास केसर हो तो आप केसर भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से पका लें। ये देखिए ये जल्दी बनाने का तरीका है, मूंग की दाल का हलवा जब आपका खाने का मन करे तो आप जल्दी इस तरह से बना सकते हैं। और आप इसमें और घी ऐड कर लो आपको जैसे पसंद है, मुझे तो ज़्यादा घी का पसंद है तो मैं इसमें ज़्यादा घी डालूंगी। और ये मैंने ड्राई फ्रूट्स जो फ्राई करे थे वो काट लिए हैं तो वो मैं डाल दूंगी इसमें। अब ये देखिए ये कढ़ाई को छोड़ने लगा है ये हलवा, ये देखिए है ना, अब ये कढ़ाई को छोड़ रहा है, इसका मतलब ये पक चुका है। ये हो गया तैयार, टोरी में कर लेते हैं। ये आप देखिए बिल्कुल शादी वाला हलवा लग रहा है ना, जैसे आप मूंग की दाल का हलवा खाते हैं पार्टियों में। तो फ्रेंड्स हो चुका है मूंग की दाल का हलवा तैयार, ये देखिए। और बच्चों को ये जो ये टूटी फ्रूटी होती है कलर वाली, ये बहुत पसंद होती है, तो ये भी मैंने डाल दी, ड्राई फ्रूट्स भी ऊपर से डाल दिए, तो इसको ऐसे डेकोरेट कर दिया है। तो अब मैं देती हूँ बच्चों को, वो पढ़ाई कर रहे हैं अंदर, तो इनसे कुछ पूछो क्या खाना है तो ऐसी चीज़ें बताते हैं कि जिसमें टाइम लगे अच्छा सा, तो इन्हें खेलने का टाइम मिल जाए, हम लग जाए काम में और इन्हें पढ़ाई से वो हो जाए। लो खा लो, ये लो बुक रख दो इधर, एक साइड रखो बुक और अच्छे से बैठो, अच्छे से बैठो, ब्लैंकेट इधर करो, लो अच्छे से बैठ के खा लो। फ्रेंड्स ये खा रहे हैं मूंग की दाल का हलवा, इनकी डिमांड ऐसी होती है ये बना दो वो बना दो, कभी पूछेंगे खाने में क्या बनाना है तो कि छोले भटूरे बना दो, तो छोले एकदम तो बनते नहीं है, उन्हें भिगोना पड़ता है तब बनेंगे। और सानू खा रहा है ये हलवा, कैसा बना है सानू? अच्छा। अच्छा बना है कि खराब? अच्छा बना है। अच्छा बना है, थैंक यू। तो कह रहा अच्छा बना है भाई, मेहनत तो हम करते हैं, बच्चों को पसंद आ जाए तो अच्छी बात है, बच्चे नहीं खाते तो इतना टाइम लगा के भी बेकार है, अगर आपने कुछ मेहनत की और बच्चों ने नहीं खाया तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो बच्चे खा रहे हैं मूंग की दाल का हलवा, तो मैंने ये झटपट वाला मूंग की दाल का हलवा बना दिया क्योंकि सानू ने बोला कि मम्मा मूंग की दाल का हलवा बना लो, तो मैंने ये झटपट वाला बना दिया, जल्दी बन जाता है ये वाला। और ये खा रहे हैं आराम से, आ रहे होंगे इसके डैडी, वो भी खा लेंगे क्योंकि उनमें आजकल बहुत वीकनेस है, वो बीमार थे तो कमज़ोर से हो गए हैं, तो आजकल उन्हें मुझे ऐसे बना बना के खिलाना पड़ेगा अच्छा सा घी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह वगैरह, थोड़ी ताकत आ जाए। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हलवा जरूर खाना, हलवा जरूर खाना मूंग की दाल। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।